नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अप्रैल, फर्स्ट शिफ्ट। देखते हैं एसएससी सीएचएसएल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफी क्वेश्चन हमको मिल गए हैं, लास्ट तक बने रहिए। एक एक क्वेश्चन में आपको आंसर सहित डिस्कस करूंगा और लैंग्वेज जो आपकी होगी दोनों लैंग्वेज में होगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टेहरी डैम जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, डैम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। डैम एक टॉपिक जरूर आप अच्छे से करके जाइएगा और रिवर और सिटी अच्छे से करके जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फंडामेंटल राइट्स किस कौन से देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए से। ये भी टॉपिक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो बनाया था, बताया भी था कि जो इम्पोर्टेंट पर्सन नेम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नर हो, सीएम हो या सेंट्रल मिनिस्टर हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक जरूर आप करके जाएगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। वर्तमान सीडीएस कौन है, बिपिन रावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेबी के चेयरमैन कौन है, ये है अजय त्यागी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने एनटीपीसी का पेपर दिया है क्वेश्चन काफी रिपीट कर रहे हैं, एनटीपीसी के प्रीवियस जो अभी पूछे गए उनके क्वेश्चन जरूर करके जाइए। सेबी के चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी। ठीक है, तो अभी हमने ये चीज एनालाइज कर रहे हैं कि एनटीपीसी के क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पंजाब के गवर्नर कौन है, बीपी सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल के हेड का नाम क्या है, सोमा मोंडल करके है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, विकास सिंह है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, आने वाले एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक जाइएगा, अनिल नावरकर सर है। ठीक है, जो कि हमारे YouTube में भी इनकी क्लासेस आपको मिलेंगी, अपने आशुतोष शुक्ला ऑफिशियली जो आपका चैनल है उसमें मिलेंगी क्लासेस। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएगा, वहाँ इनको फॉलो करिए, अनिल नावरकर सर को। और जब भी आप कोई कोर्स ले, या तो अनअकैडमी में या तो आप इनरोल करें, तो ये AS2021 कोर्स को, ये कोड को यूज करें। और दोस्तों हम लोग की लगातार उसमें क्लासेस हो रही है, जनरल साइंस की क्लासेस 5 बजे हो रही है, ध्यान रखिएगा जनरल साइंस की 5 बजे क्लास हो रही है। एक हमारी 9 बजे क्लास रीजनिंग की होती है और 10 बजे स्टैटिक जीके की होती है। जितने भी प्रीवियस ईयर टीचर्स द्वारा पूछे गए हैं, चाहे एसएससी रेलवे हो, सबके क्वेश्चन हम वहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो के अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ हुआ है, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया जो बना था किसके ऑनर में बना था, तो ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, ये है किंग जॉर्ज 5। आज हमने देखे काफी क्वेश्चन एनटीपीसी के रिपीट किए हैं। जोरा डांस जो है वो कहां है, उत्तराखंड में। ठीक है, जोरा डांस जो किया जाता है वो कहां किया जाता है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के विनर कौन है। ध्यान रखिएगा इसमें क्वेश्चन जो पूछा था, ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो पूछा था वो ये पूछा था कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन ये जीता कौन था, पीवी सिंधु। नेक्स्ट देखते हैं, वुडन सैटेलाइट कहाँ है, जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, ये है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, CACP का फुल फॉर्म, मैंने बताया था एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय SSC CHSL का। ठीक है, ये होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर पोस्ट एंड प्राइस, इसका फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा था। दोस्तों मैं आपसे एक चीज बता रहा हूँ, हम लोगों ने एक पैकेज बनाया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन पैकेज में ये बुके हैं। ठीक है दोस्तों, वहां से क्वेश्चन 20+ क्वेश्चन आ रहा है। एनटीपीसी में भी हमने अपने रेलवे चैनल में ये बताया था और दिखा रहे थे हम लोग प्रूफ कि वहां से हमारे जो क्वेश्चन है 80% पूछे गए हैं और सेम टू सेम बुक। बस हमने कुछ क्या है कि एसएससी के प्रीवियस ईयर ले लिए हैं, करंट ले लिए हैं। तो दोस्तों वहां से हम देख रहे हैं 20+ क्वेश्चन आराम से स्कोर करके आएंगे जीके में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही कम कीमत में हमने 5 बुक, हमने लगभग 4 बुक हमने 79 रुपीज में किया है, बहुत ही कम कीमत में 4 बुक में लगभग आपको 6-7 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपका 10 दिन बाद पेपर है, 5 दिन बाद पेपर है, अच्छा खासा लास्ट टाइम में वही रिविजन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जरूर एक बार देखिए। ठीक है, लेना ना लेना बात की बात है, लेकिन लिंक में जरूर जाइए। और साथ में इसका PDF ध्यान रखिएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा। कहां मिलेगा, अगर आप आशुतोष शुक्ला ऑफिशियली सर्च करिएगा, अगर आप रेलवे भी सर्च करेंगे तो आपको जो 280K+ चैनल दिखता है वो भी हमारा है, आशुतोष शुक्ला ऑफिशियली 18,000 का चैनल है वो भी हमारा है। सब जगह हम PDF प्रोवाइड कर देंगे डेली, अभी थोड़ी देर बाद आपको PDF मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार हम वीडियो आपको लाइसेंस लाने वाले हैं। धन्यवाद।